नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RPSC अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली है 156 जूनियर लीगल ऑफिसर अर्थात JLO के पद पर वैकेंसी, जिसके अंतर्गत आवेदन कल दिनांक से अर्थात 26 सितंबर 2019 से भरना प्रारंभ हो रहे हैं। इस वैकेंसी की संपूर्ण डिटेल के लिए आप ऊपर आई बटन पर जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.sarkaririzultwala.com पर जाकर भी इस वैकेंसी की संपूर्ण डिटेल और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम JLO की इस वैकेंसी की संपूर्ण सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप भी LLB पास आउट हैं या LLB थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। परंतु दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, यदि आपने हमारे वीडियो को देखा है तो उसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। दोस्तों, JLO का पेपर में 4 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड तथा पेपर फोर्थ। प्रत्येक पेपर 50 मार्क्स का होता है तथा प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। अर्थात यदि आप गलत मार्क आंसर देते हैं या किसी भी प्रश्न के लिए 2 आंसर देते हैं तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग काट ली जाएगी तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है तथा एक दिन में 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। दोस्तों, बात करें सिलेबस पेपर फर्स्ट के सिलेबस की, तो पेपर फर्स्ट जो है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के संविधान से स्पेशल रेफरेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार, डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स अर्थात नीति निर्देशक तत्व, इन्फोर्मेंस ऑफ राइट थ्रू रिट्स अर्थात रिट, फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तथा अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का ये सिलेबस कितना संक्षिप्त है और कितना ईजी है। दोस्तों, सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस से केवल 5 टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, रिट, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कार्य तथा अटॉर्नी जनरल के कार्य। इन चीज़ों से आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, परंतु यहाँ आपसे पूरी CPC और CRPC नहीं पूछी जाएगी। Only provision required to be referred generally in government office will be given importance. अर्थात जो सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल किए जाते हैं केवल वही सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफिसों में जो महत्वपूर्ण सेक्शन जो काम में लिए जाते हैं केवल उन्हीं के रिगार्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, बात करें पेपर थर्ड की, तो पेपर थर्ड में एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन तथा ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटली 150 मार्क्स यहाँ भी होंगे और 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। बात करें लैंग्वेज पेपर की, तो लैंग्वेज पेपर 25 मार्क्स हिंदी का होगा तथा 25 मार्क्स इंग्लिश का होगा। पेपर दोनों का कम्बाइंड एक ही होगा, परंतु 75 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। बाकी तीनों पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु पेपर फोर्थ अर्थात लैंग्वेज वाले पेपर में हिंदी वाला पोर्शन हिंदी लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा तथा इंग्लिश वाला पोर्शन केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा। हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर पूछी जाएगी, जिसके अंतर्गत शब्द रचना, संधि और संधि विच्छेद, समास, उपग्रह और प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाएंगे तथा शब्द प्रकार में तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज और विदेशी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विश्लेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द ज्ञान के अंतर्गत आपसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्दों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए शब्द, सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधित शब्दावली, शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियाँ, प्रसंग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और विधिक आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंतर्गत टेंस,
डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब एंड आइडियम, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सब ऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मॉड्यूल्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों आरपीसी का सिलेबस, आरपीसी के इस जेएलओ का सिलेबस काफ़ी इजी है। यदि आप इसकी तैयारी करें तो आप आसानी से इसका इसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। पासिंग मार्क्स के लिए आपको 40% ईच पेपर लाना अनिवार्य होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और टोटल ये आपका जेएलओ का पेपर 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 40% ईच पेपर लाना अनिवार्य होगा। और उसके बाद आपका 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। दोस्तों आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।